वाइपेंडो सिंगल लाइन तस्वीरें इस समय आपको जो हम दिखा रहे हैं उन्होंने शुरुआत में जो है वो राम नाम सत्य है, ईश्वर का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ईश्वर का नाम सत्य है। कुलफी नहीं किया गया, जो प्रोग्रेस किए गए रेवरे के टीचर्स के साथ, किसी से भी नहीं किया गया, वो तमाम चीजें पीएचडी है, एमपीएड है, बीपीएड है और इनको बाजाबता आईएएस अफसरों ने मतलब बाजाबता इनका मेरिट लिस्ट बना, कट लिस्ट निकला, कट लिस्ट के बाद इनकी सिलेक्शन हुई। हम जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जिसके लगभग 4.5 लाख मुलाजिम हमारे साथ हैं और लगभग 50 यूनिट हेल्थ इलेक्ट्रिक एजुकेशन सारे डिपार्टमेंट के जो यूनियनें हैं वो इनके बैक पे लगी है। जब तक इनका मसला हल नहीं होगा तो तब तक जम्मू कश्मीर का कोई भी मुलाजिम चैन से नहीं बैठ सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल कीमती 4 साल कोविड में स्कूल में दिए हैं और स्कूल में रोल इनकी वजह से बढ़ गया और उन्होंने बड़ी मेहनत की है स्कूल को चलाने में, इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं और ये पढ़े लिखे हैं और अब ओवरेज हो रहे हैं। अगर बार बार ऐसी पॉलिसियाँ बन गई, इनको 4 साल इनको कहा था कि 7 साल के बाद आपको परमिट किया जाए, खाली 2640 टीचर हैं। अगर इनको ऐसे निकाल और जो नेशन बिल्डर होता है उसको रोड पे निकाला जाए और उसको जलील किया जाए, मतलब ये मतलब उस कौम का बेड़ा गर्क हो सकता है, वो कौम कभी नहीं सुधर सकती जो अपने टीचर को रोड पे आने के लिए मजबूर करे। रविंद्र रैना जी ने इनको पूरा आश्वासन दिया कि बीजेपी की गवर्नमेंट मतलब जो सेंटर से वो आपके पीछे है, हम आपका मसला हल करवाएंगे, लेकिन जब तक इनके हाथ में रिटर्न 5 साल के बाद इनको रेगुलराइज किया जाए, हमारी यही डिमांड है, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की यही डिमांड है, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की यही डिमांड है, क्योंकि ये हमारे स्कूलों की बैकबोन है। अगर इनके साथ कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कोई गलत आर्डर आया तो जम्मू कश्मीर की पूरी मतलब जो यूनियनें हैं वो रोड पे आ जाएंगे इनके हक में और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने रहबरी तालीम जो थे 45,000 उनको हमने परमिट किया, हमने एक महीना धरना दिया, हम भूख हड़ताल पे रहे लेकिन उनको परमिट किया, वो मैट्रिक पास थे, वो ग्रेजुएट थे, लेकिन ये इसमें पीएचडी स्कॉलर है, इसमें नेशनल अवार्डी है और उनको रोड पे लाना ये इस कौम की सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी, क्योंकि एक तरफ मोदी जी ने पूरी दुनिया में मतलब योगा का जो असली मुद्दा योगा का जो ये योगा को उसने इंट्रोड्यूस कराया पूरी दुनिया में, लेकिन हमें ये मतलब बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हमारी जम्मू कश्मीर की जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है ये इन गरीब बच्चों को रोड पे ला रही है और इनके जो बच्चे हैं वो फाका कश पे मजबूर है और 3,000 पे उन्होंने काम किया, 3,000 पे उन्होंने 4 साल काम किया, इनके साथ इतनी ज्यादती की जा रही है, इनके पास खाने को पैसे नहीं है, फिर भी इनको यही उम्मीद थी कि ये और हो रहे हैं, इनको यही उम्मीद थी कि हमें 5 साल के बाद यही गवर्नमेंट हमें परमिट करेगी, यही एडमिनिस्ट्रेशन हमें परमिट की और जो एलजी साहब ने इनको वादे किए, जो चीफ सेक्रेटरी था द्विवेदी जी थे, मतलब यहाँ बीजेपी की जो ये मतलब पार्टी है, जो बड़े लीडर है, सब इनके हक में बोल रहे थे कि इनको परमिट करेंगे, लेकिन पता नहीं अंदर से ये क्या पक रहा है, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के पूरे मुलाजिम एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी तब तक चैन से नहीं बैठ सकती, जहां इनका ये पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक इन 2640 टीचरों को वापस। लेकिन ये हम बताने जा रहे हैं कि आप जितना टाइम डालो जा रहे हो ये कंडीशन हमारे पे अप्लाई हो रही है,
ये आने वाले समय में एक दो दिन तक ऐसी कंडीशनें हमारे पे आ जाएंगी, क्योंकि हमारे गरीब लोग हैं, हमारे टीचर सारे 4000 सैलरी है और ये रोडों पे इधर रह रहे हैं, गर्मों इतने 20 डिस्ट्रिक्ट होते हैं यहाँ पे आगे रह रहे हैं और इनका सर्वाइव करना यहाँ बड़ा टफ हो चुका है। ऐसी कंडीशन हमारी आ रही है क्योंकि डे बाई डे टाइम पड़ रहा है और टाइम पड़ने से ये लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। ये शव यात्रा निकाली, इसका मेन उद्देश्य क्यों, क्या है, आपको क्या लगता है, क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? हम अगर पीसफुली एल जी साहब के पास वहाँ जाना चाहते हैं राजभवन, तो पुलिस हमें डिटेन कर लेती है। हम 21 को हम जा रहे थे वहाँ पे पीसफुली एक सिंपल सिंगल लाइन रैली लेके, लेकिन वहाँ पुलिस द्वारा हमें डिटेन किया गया, तो वो वहाँ से जाने नहीं देते। अब हमने यही एक जरिया है एलजी साहब के तरफ बात पहुंचाने का कि ये लोग मर चुके हैं सर, रैबरे खेल टीचर्स, ये 2600 फैमिली के साथ इनजस्टिस हो जाएगा अगर वो आर्डर जो आपने निकलवा रहे हैं, जो फ्रीज पोस्ट हैं इनके लिए रखी गई है, उनको डी फ्रीज कर देंगे अगर आप, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, कल को ये किन पोस्ट में परमानेंट होंगे। हम यही कह रहे हैं, जो हम बार बार जाते हैं, हम तो संघर्ष कर रहे थे अपना, इसके लिए जंग लड़ रहे थे अपने की, जो 7 साल का प्रोविजन दे रहे हैं हमें वो 5 साल का किया जाए एज पर रैपर पैटर्न। तो लेकिन इन्होंने एक ऐसा ऑर्डर निकाल दिया जिससे हमें डिस्टर्ब कर दिया गया, हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं इन बातों से। बार बार हम बार बार एलजी साहब ने जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया जाए, जो हमारा एलजी साहब ने खुद बोला था उस समय, द्विवेदी साहब को अपने साथ बिठाया था एलजी साहब ने, एलजी साहब ने बोला था अगर किसी और का 7 साल नहीं है पेड़, इन बच्चों का भी 5 साल पेड़ कर दो। रविंद्र राणा द्वारा एक आश्वासन दिया गया, कहा कि मेंबर पार्लियामेंट और जो जनरल सेक्रेटरी नेशनल लेवल वो जम्मू पहुंचे, उनकी मुलाकात आपके साथ हुई, क्या आश्वासन उन्होंने दिया, कहा है कि उनकी मुलाकात आपसे होगी, वो एलजी से बात करेंगे और हो सके तो गृह मंत्री आपकी बात करेंगे। राणा साहब ने बताया कि हमारी मीटिंग्स हुई हैं, अच्छी हाई लेवल मीटिंग हमारी चल रही है, तो लेकिन हमारी मुलाकात देखिए राणा साहब ने बताया कि उन्होंने अमित शाह जी से बात करनी है और साथ साथ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करके आपका मुद्दा जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करा देंगे। वो अपने से 100% अपना लगा रहे हैं, हमें भरोसा है राणा साहब पे, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ हमारे फेवर में आएगा। ये एक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और बीजेपी पार्टी को एक दिखाने का है कि अगर कुछ दिन और ये मतलब हमारे साथ बैठना पड़ा, जैसे संघर्ष करना पड़ा, तो ये जो आज एक डेमो जा रहा है वो रियलिटी में बदल जाएगा।